हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय चैनल। और अभी आज दिन है, आज मंडे है और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, तो अभी हम चाय बना रहे हैं। और हैप्पी नवरात्रि। ये मैंने एडिटिंग नेक्स्ट डे की है, तो आपको नवरात्र की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। तो आज ही चाय पी लीजिए। मैंने चाय बनाई है और मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी आज अपना। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, तभी मैंने पहले चाय बनाई है। जरूरी है क्योंकि नया आया हुआ होगा तो ये पेट खराब कर देता है, तो अभी मैं पहले अपने गेहूँ धोऊंगी। तो गेहूँ को मैंने धो लिया है और अभी मैं छत पे आई हूँ, तो मैंने देखा यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रहा है, सारे में तो मिट्टी हो रही है, तो वैसे भी हवा चल रही है, धूल मिट्टी उड़ती है, तो मैंने सोचा चलो पहले यहाँ पे मैं धो देती हूँ, उसके बाद ही गेहूँ धोऊंगी। और ये हमने यहाँ पे थोड़े से प्लांट लगा रखे हैं, मनी प्लांट है और तुलसी है, ये पुदीना है और एलोवेरा है, थोड़े बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं हमने जो छुपे। तो तुलसी है, ये भी सूख रही हैं, ये थोड़ी बहुत हरी है, लेकिन अभी इतनी जैसे हरी होनी चाहिए वैसे हरी नहीं है अभी तुलसी। और अभी मैं पहले यहाँ पर सफाई करूँगी, सारे मुझे धोऊँगी और उसी के बाद फिर मैं गेहूँ पाऊँगी। यहाँ पर मैंने पानी चढ़ा दिया है, गेहूँ सुखाऊंगी। और मैं यहाँ पे सारे में को ऐसे ही फैला दूंगी क्योंकि छत तो मैंने साफ कर दी है, तो मैं अभी यहाँ पे है ना किसी कपड़े पे नहीं डालूंगी, एकदम तेज धूप लगेगी तो और छत भी गर्म हो जाएगी, तो ये जल्दी सूख जाएंगे मेरे गेहूँ, 2 दिनों में ही सूख के तैयार हो जाएंगे, नहीं तो अगर कपड़े पे सुखाऊंगे तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं। अभी ये मेरे जल्दी सूख जाएंगे और अभी मैं सारे गेहूँ सारे में ये फैला दूंगी, और मैंने ये सारे फैला दिए हैं, मेरे गेहूँ सूख जाएंगे। अब और ये मेरे सूख गए हैं, मैं नीचे वाले फ्लोर पे आ गई हूँ, यहाँ पे मेरे मशीन में कपड़े पड़े थे, ये मैं अब सुखा दूंगी इनको और उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी, मेरा नहाना।
छुपा दूंगी जल्दी जल्दी। मशीन तो मेरी खाली हो गई थी, बस सूखने वाले में ही पड़े थे कपड़े, वही सुखाऊंगी मैं। और अभी मेरा बाकी काम और सारा हो गया क्लीनिंग वगैरह का, बस कपड़े ही रह रहे थे और मुझे ये गेहूँ धोने थे, और बस मेरा कंप्लीट हो जाएगा सारा काम। सारा काम करके मैं नहा ली हूँ और अभी मैं कहीं पे जाऊँगी, मुझे कहीं बाहर जाना है किसी के साथ, अपने लिए नहीं किसी और के लिए शॉपिंग करके। अपनी फ्रेंड के साथ जाऊँगी मैं, उनको शॉपिंग करके लानी है, उनके घर पे कोई गेस्ट आएगा तो मैं उन्हीं के साथ जाऊँगी। अभी बहन की नंद के लड़के की शादी हुई है, उनके जो वो नई बहू आई है, वो नई बहू आएगी उनके घर पे, तो वो उसी के लिए कपड़े लेने जाएंगे, उसको देने के लिए साड़ी। तो हम अभी मैं भी जाएंगे साड़ी की दुकान पे, वहाँ जाने के तो साड़ी के पीछे अपनी नॉलेज नहीं है, तो हम भी जाएंगे मैं और मेरी बहन। तो ये हम यहाँ पे दुकान पे आ गए हैं, ये हमारे घर से पास नहीं पड़ती है, ये दुकान ज़्यादा दूर नहीं है, ये बड़ी छोटी बड़ी दुकान है। कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ मेरे चैनल को।